हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स सो गाइस एयर फोर सेक्शन वाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्सटी फोर सो सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए हुए हैं सो so, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन वन टू सिक्स है आंसर पैसेज सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ से की फाइंड आउट करेंगे देन पैसेज पर आकर आंसर निकालेंगे सो क्वेश्चन नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है ऑप्शन पर लीजिएगा ऑल कैन नॉट लव देयर कंट्री लव ऑफ आर कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर काइंड ऑफ लव वन शुड लिव बाय इज मोटो वन शुड लव वन सेल्फ फर्स्ट देन नंबर टू इज द ऑथर फील्स दैट पेट्रोइिज्म इज नॉट लिंक्ड टू यानी ऑथर को क्या फील होता है कि पेट्रोइटिज्म लिंक्ड नहीं है किस चीज से प्राइड करप्शन जेनरॉसिटी सेल्फिशनेस की वर्ड आपको मिल गए पहले में हमें बताना ऑथर को क्या लगता है अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है ऑप्शन संबंधित नहीं है आपको पैसेज स्टार्टिंग से पढ़ना होगा द वर्ल्ड पेट्रोइिज्मींस लव फॉर वंस मदरलैंड तो पेट्रोइटिज्म का मतलब क्या है कि अपने मदरलैंड से आपका प्यार वो कहलाता है पेट्रोयटिज्म इट इज अ नेचुरल फीलिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन पजेस तो ये एक प्राकृतिक भावना है एक फीलिंग है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और यदि ये फीलिंग किसी के अंदर नहीं है तो वह उतना ही अच्छा है जितना एक मृत व्यक्ति होता है जितना एक डेड पर्सन होता है आगे राइटर लिखते हैं कि भाई लव लव ऑफ आर कंट्री शुड बिकम आर मोटो तो हमारे देश के लिए प्यार ये हमारा मोटो होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए आगे लिखा है द लव फॉर वंस मदरलैंड ज मोर सिग्निफिकेंट देन ऑल अदर वेराइटी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा प्यार है कौन सा लव है तो लवर वैंड अपनी मातृभूमि के लिए मदरलैंड के लिए प्यार होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर सिग्निफिकेंट हैदर वेराइटीज ऑफ लव और आपने देखा भाई क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वन के अंदर यह लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में सो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑथर लव ऑफ आर कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर काइंड ऑफ लव दंबर टू इज के ऑथर को पेट्रोइटिज्म किससे संबंधित नहीं लगता नॉट लिंक्ड टू तो आंसर के लिए आप पैसेज पर आइए और नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे नीचे से आइएगा सेकेंड लाइन पर यहां पर लिखा है पेट्रोइटिज्म इज अनटचड बाय सेल्फिशनेस अनटच का मतलब अछूत तो पेट्रोइटिज्म जो है जो देशभक्ति है मात्र प्रेम है ये सेल्फिशनेस से अभी अछूत है अनटचड है यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कोई लिंक नहीं है तो जब मुझसे पैसेज में पूछा है कि पेट्रोइटिज्म किससे लिंक्ड नहीं है तो मैं आंसर क्या करूंगा सेल्फिशनेस यानी यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर अब पेट्रोइट इज ऑलवेज तो पेट्रोइ कौन हो जाएगा देशभक्त तो ये हमेशा कैसा होता है रेडी टू ग्लोरिफाई इस कंट्री रेडी टू रूल इज कंट्री रेडी टू सेक्रीफाइज हिमसेल्फ फॉर इस कंट्री रेडी टू वर्क फॉर इस कंट्री अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी की तो यहां पर लिखा है रूल इस कंट्री यानी अपने देश पर राज करने के लिए तो एक पेट्रोइ कभी भी देश पर राज नहीं करेगा वो देशभक्त है वो देश की ग्लोरीफाई ग्लोरी के लिए काम करेगा उसको ग्लोरीफाई करेगा अपना सेक्रीफाइस दे सकता है देश के लिए काम करेगा तो ऑप्शन नंबर ए सी और डी तीनों ही सही हो सकते हैं अगर मैं पेट्रोइ की बात करूं, लेकिन मुझे जाना है पैसेज के अकॉर्डिंग सो so, तीनों को आप माइंड में रखिए कि पेट्रॉइड कैसा होता है देन नंबर फोर इज वी कैन पे होमेज टू आर पेट्रोइ्स बाई तो हम अपने पेट्रोइ्स के लिए देशभक्तों के लिए क्या कर सकते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन है बिल्डिंग मेमोरियल्स इन देयर ऑनर मेकिंग स्पीचेस इन देयर प्रेज पब्लिशिंग देयर बायोग्राफीज एमुलटिंग देम तो ये बिल्कुल क्लियर है आप इसको ऑप्शन में देखेंगे पैसेज में क्लियर फटाफट से आ जाएंगे पैसेज पर तो आपका पहला क्या है कि भाई एक पेट्रोइ कैसा होना चाहिए देशभक्त कैसा होना चाहिए तो सिंपल सा लास्ट लाइन पर आइएगा यहां पर लिखा है ऑन द अदर हैंड अ पेट्रोइट इज ऑलवेज पेट्रोइ इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू मेक सेक्रीफाइज फॉर हिज और हर कंट्री तो एक पेट्रोइट एक देशभक्त कैसा होता है ये हमेशा तैयार होता है अपने देश के लिए अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आंसर आई होप आपको मिल गया होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर हिज कंट्री क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स आपको मिल गए अदरवाइज एक देशभक्त क्या करता है अपने देश का अपने कंट्री को ग्लोरीफाई करता है क्लियर या फिर उसके लिए काम करता है दोनों ही सही होंगे लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ देन नंबर फोर में हमसे पूछा कि हम पेट्रॉइड्स के लिए क्या कर सकते हैं तो पेट्रॉइड्स के लिए क्या कर सकते हैं ये आपके पैसेज में डायरेक्टली कहीं भी नहीं दिया गया ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप पैसेज से फाइंड करके नहीं लगा सकते आपको पैसेज पूरा पढ़ना होगा समझना होगा तब आंसर मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप मेमोरियल्स बिल्ड कर रहे हैं उनके ऑनर में उनके सम्मान में तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई उससे आप क्या कर रहे हैं पेट्रोइ्स के थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे देन मेकिंग स्पीचेस आप उनकी प्रशंसा में भाषण दे रहे हैं उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा उनकी बायोग्राफीज छाप रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा हम अगर अपने पेट्रॉइड्स को होमेज पे करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एम्यूलेट करना होगा यानी ऑप्शन नंबर डी एम्यूलेट का मतलब क्या होता है एम्यूलेट का मतलब होता है उन्हें कॉपी करना होगा उन्हें फॉलो करना होगा जो भावना उनकी थी अपने देश के लिए वही हमारी होनी चाहिए ये होगा असल में होमेज यानी आप बोल सकते हैं उनको श्रद्धांजलि एक तरीके से आंसर आपको मिल गया नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर फाइव पर बोला है द वर्ल्ड पेट्रोइटिज्म मीन्स पेट्रोइटिज्म का मतलब क्या है तो आप पैसेज पर आइए पहली लाइन लिखी है द वर्ड पेट्रोइटिज्म मींस लव फॉर वंस मदरलैंड पहली ही लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर लिखा है द वर्ड पेट्रोइट मींस लव फॉर वंस मदरलैंड तो अपनी मातृभूमि के लिए अपने देश के लिए प्यार यही कहलाएगा क्या पेट्रोइटिज्म कहलाएगा यानी यहां पर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइन से मुझे आंसर मिल गया ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना पड़ा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मीनिंग sacrifice सेक्रीफाइज तो का मतलब होता है त्याग किसी भी चीज का त्याग कर देना बलिदान कर देना और आप इसको इंग्लिश में एबडिकेशन भी बोलते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बाकी सभी ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट है पैसेज so, के अंदर एक वर्ड आया सेक्रीफाइस आपसे सिनोनिम पूछ लिया तो क्या हो जाएगा एप्डिकेशन हो जाएगा दोनों का मतलब क्या है त्याग देन आप नेक्स्ट आइएगा डायरेक्शन सेवन टू नाइन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इज टेरेड इज अनोनिम ऑफ टायरेड का सिनोनिम बताना है यानी एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग इससे मिलता जुलता है तो सबसे पहले टायरेड का मतलब पता होना चाहिए टायरेड का मतलब होता है निंदा या फिर आलोचना तो आप किसी की बुराई कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं आलोचना कर रहे हैं तो वही कहलाएगा क्या टायरेड कहलाएगा और ये अपने आप में एक नाउन है वोकेबलरी की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका मीनिंग भी किसमें जाएगा नाउन सेंस में जाएगा दो पेयर बनते हैं नाउन एजेक्टिव का पेयर बनता है वर्ब एडवर्ब का तो अगर आपका वर्ड नाउन है तो उसका मीनिंग भी मोस्ट प्रोबेबली नाउन ही होगा और अगर एक आपका वर्ड वर्ब है तो उसका मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा मीनिंग वर्ब ही होगा तो टायरेक्ट का मतलब होता है निंदा या फिर आलोचना ये एक नाउन है और आप इसको इंग्लिश में डिनंसिएशन भी बोलते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा डिनंशिएशन का मतलब भी होता है निंदा करना या आलोचना करना और इसको आप कभी कभी भंडाफोड़ भी बोलते हैं या फिर पर्दाफाश करना वो भी इसी का मतलब है यूलॉजी हमने कल के क्लास में पढ़ा यूलॉजी का मतलब होता है किसी के प्रशंसा में आप भाषण दे रहे हैं स्पीच दे रहे हैं तो किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना प्रशंसा करना वो क्या कहलाएगा यूलॉजी कहलाएगा द नंबर एट इज द वर्ड विट्यूड मीन्स ट्यूड का मतलब क्या है आपके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं सुख दुख आते हैं उन्हीं को बोलते हैं विसिसट्यूड और इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसको आप चेंजेस भी बोल सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यह बेस्ट ऑप्शन है जो आपको मिला है सोरो का मतलब क्या होता है दुख मिस फॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य और सरप्राइजेस का मतलब आप जानते हैं सो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल यहां पर है चेंजेस यानी बदलाव तो आपके जीवन में काफी बदलाव आते हैं कभी उतार आता है कभी चढ़ाव आता है कभी सुख कभी दुख उन्हीं को बोलते हैं नंबर नाइन इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डोसाइल डोसाइल का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले डोसाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोसिल डोसिल का मतलब होता है विनम्र या फिर सीधा विनम्र या फिर सीधा कोई भी इंसान जो आसानी से दब जाए आप उसको दबा सकते हैं उसको भी बोलते हैं डोसिल तो अपोजिट क्या हो जाएगा कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं दबा सकते जो बिल्कुल भी सीधा नहीं है विनम्र नहीं है यानी जिद्दी किस्म का इंसान है और जिद्दी को हटीले को आप इंग्लिश में बोलते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गुड का मतलब अच्छा होता है स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है और स्टूपिड का मतलब आप जानते हैं बेवकूफ देन डायरेक्शन टेन टू इलेवन आपका वन वर्ड सब्सिट्यूशन नंबर टेन इज एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन फादर तो अपने पिता की हत्या कर देना उसको क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं पेट्रिसाइड उसको बोलते हैं पेट्रिसाइड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पेरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स को मार देना अब पेरेंट्स के अंदर मदर भी आती है फादर भी आते हैं या फिर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है वो भी आता है पेरिसाइड से ये क्लियर नहीं होगा कि आपने अपने फादर को मारा है फादर के लिए यूज होता है पैट्रिसाइड पेरेंट्स के लिए होता है पेरिसाइड फ्रेक्ट्रिसाइड का मतलब क्या है आपने अपने भाई को मार दिया एक वर्ड आपने सुना होगा फ्रेटरनिटी, भाईचारा तो वहीं से बना है भाई को मारना और पैरासाइड क्या होता है पैरासाइड तो बिल्कुल अलग वर्ड है पैरासाइट होता है एक ऐसा एनिमल या फिर बोलिए प्लांट जो दूसरे प्लांट के या एनिमल के ऊपर या फिर उसके अंदर रहता है और वहीं से क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है खाना खाता है नंबर इलेवन इज चाइल्ड ऑफ अनयूजल और रिमार्केबल टैलेंट तो एक बच्चा जिसके पास एक बहुत ही अनोखा अद्भुत एक टैलेंट है उसको क्या बोलेंगे तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे प्रोडिगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कंफ्यूजन ये रहती है आप जीनियस टिक कर देते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं जीनियस नहीं होगा क्योंकि यहां पर वर्ड चाइल्ड का यूज हुआ है बच्चे की बात हो रही है तो प्रोडिगी क्या होता है वेरी यंग जीनियस वेरी यंग जीनियस उसको बोलते हैं प्रोडिगी तो चाइल्ड के लिए आप प्रोडिगी वर्ड यूज करेंगे देन नंबर ट्वेल्व इज चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है डिबॉचरी की स्पेलिंग बतानी है सो आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहां पर भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड में मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप चेक भी कर सकते हैं देन नंबर फोर्टीन इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है सेंटेंस आपका है द मैजिस्ट्रेट सेड कॉल द विटनेस ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड यहां पर आया है रिक्वेस्टेड बी में बोला है बैग्ड ऑर्डर्ड प्रेड तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा मजिस्ट्रेट बोल रहा है गवाह को बुलाइए कॉल द विटनेस तो ये उसका एक ऑर्डर है और जब ऑर्डर करेगा तो द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रिक्वेस्ट नहीं की जा रही ना ही बैग किया जा रहा है ना ही प्रे की जा रही है ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपको ये भी समझना होगा कभी कभी जरूरी नहीं है लिखा हुआ मिले आपको सब कुछ द नंबर इज एक फ्रेज आपको दिया गया है टू बी फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब बताना है तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार आप जानते हैं भाई फेयर होना यानी ईमानदार होना और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर की खासियत क्या होती है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं चारों तरफ से ये एक समान दिखता है यानी ऑनेस्ट एक तरीके से ये शो करता है ऑनेस्ट वाली जो हमारी फीलिंग है जो स्टेट है उसको शो करता है तो आपको चारों तरफ से एक सार होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए सभी के लिए ईमानदार होना चाहिए देन डायरेक्शन सिक्सटीन टू सेवनटीन एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सिक्सटीन इज वी विल नॉट अलाउ दैम टू रन अवे आप जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है देम और जब आप देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है दे सभी में कॉमन है दे आया है आगे देखिएगा यहां पर आ रहा है विल विल आ रहा है और आप जानते हैं वॉइस के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता तो विल का विल ही रहने वाला है पैसिव के अंदर तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में विल लगा है ये आपका आंसर हो सकता है बी नहीं होगा क्योंकि यहां पर वुड आ गया सी नहीं होगा क्योंकि आर आ गया टेंस चेंज कर दिया इन्होंने प्रेजेंट का बना दिया यहां पर फ्यूचर की बात थी वर आ गया यानी पास्ट की बात है तो यह भी नहीं हो सकता बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आंसर दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया विल के साथ में क्या जाएगा बी और ऐड हो जाएगा जब पैसिव बनाओगे अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड होती है टू रन अवे बाय और सब्जेक्ट वी का क्या बन जाएगा अस बन जाएगा डन नंबर सेवनटीन इज डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस तो यहां पर आप देख रहे हैं डिड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है यानी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और डिड का मतलब होता है पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस या फिर बोलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आंसर जो आपका होगा जो पैसि बनाएंगे वो भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा और एक क्वेश्चन वर्ड है तो वो भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि ऐसे इंटारोगेटिव सेंटेंस नहीं बनते सेम सी भी गलत हो गया बच्चा आपके पास बी और डी तो ऑप्शन नंबर बी में वाज से बन रहा है यानी सिंपल पास्ट टेंस लेकिन डी के अंदर हैड यूज हो गया यानी पास्ट परफेक्ट तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया एक चीज याद रखिएगा कि भाई आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है यानी आपको ये नहीं ढूंढना कौन सा सही है आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं हो सकता अगर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा अगर सिलेक्शन मेथड लगाओगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा आपका डिसाइड आपको करना है द नंबर एटीन इज फॉर्म एन एजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड एजेक्टिव बनाना है वर्ड आपको दे रखा है डर्ट डर्ट का मतलब क्या होता है गंदगी डर्ट का मतलब होता है गंदगी और आपको बनाना है एजेक्टिव तो मैंने बताया एजेक्टिव कैसे बनता है किसी भी वर्ड के साथ उसे जोड़िए किसी भी किसी भी वर्ड के साथ और देखिए वहां पर आंसर किसका निकल रहा है अगर कैसे का जवाब मिल रहा है तो यानी वो एजेक्टिव है अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो नाउन है तो ऑप्शन नंबर ए तो आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे यहाँ पर लिखा तो है डर्टेड तो ईडी फॉर्म है यानी ये तो वर्ब फॉर्म हो गई डर्टीली ये आपका मे बी एडवर्ब हो सकता है बचा आपके पास बी और डी तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ डर्टी अगर मैं बोलता हूँ डर्टी बॉय तो लड़का कैसा है गंदा है डर्टी है

सेंटेंस के अंदर जो हिज आया है यहां पर हिज ना आकर आना चाहिए वंस रीजन क्या है तो ये क्वेश्चन आपका बना है प्रोनाउन से प्रोनाउन चैप्टर से बना है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एक वर्ड होता है वन अगर वन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो उसके साथ में ही हिम हिज हर ये कुछ भी नहीं आते बल्कि उसके साथ में या तो वन आएगा या तो वंस आएगा वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति और जब आप कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर आप हिज का यूज नहीं कर सकते हिज का मतलब होता है उसकी हिज लिविंग यानी उसकी जिंदगी या उसकी लाइफ और वंस का मतलब होता है भाई कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं सो so यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सी पार्ट में एरर है और एरर मैंने बता दिया भाई यहां पर मुझे दिखा वन आया तो वन के साथ में या तो वन आएगा या तो वंस आएगा द नंबर ट्वेंटी इज द थीफ ब्रॉक इन द हाउस इन द डैड ऑफ द नाइट तो यहां पर चोर घर में घुसा है बिल्कुल रात में क्लियर तो घर में घुसा है और किसके इरादे से भाई चोरी के इरादे से तो चोरी के इरादे से जब आप किसी घर में घुसते हैं तो वहां पर एक फिक्स्ड फ्रेज यूज किया जाता है एक फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है ब्रेक इंटू तो यहां पर ये जो ब्रॉक इन लिखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए इसकी जगह आना चाहिए ब्रॉक इंटू क्योंकि ब्रॉक इन टू का मतलब क्या हो जाएगा चोरी के लिए घर में घुसना सो so, यहां पर ए पार्ट में एरर है ए पार्ट में एरर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा सो so, ये थे आपका प्रैक्टिस सेट ये थे आपके क्वेश्चन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा अगर पसंद आया और अभी तक लाइक like नहीं किया तो भाई लाइक like जरूर कर देना अब क्वेश्चन आता है आपका स्पेलिंग टेस्ट का सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिबैचरी की स्पेलिंग बतानी थी डिबैचरी का मतलब होता है अश्लीलता और थर्टीन के अंदर इनोवेशन की स्पेलिंग बतानी थी सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जिसका मतलब है आविष्कार किसी भी चीज का आविष्कार करना इन्वेंशन करना क्लियर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरी